उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गांव जहां हर घर में पहलवान है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के शाहपुर बमेटा गांव की। कहा जाता है ये गांव पहलवानों का है। दरअसल इस गांव में कई पुराने अखाड़े हैं और गांव के युवाओं का एक बड़ा वर्ग आज भी पहलवानी के क्षेत्र में ही अपना करियर ढूंढता है। गांव के पुराने पहलवान अखाड़े से ही हम आपको बताते हैं कि क्या पहलवानों की राय है और किस तरीके से इस गांव की मिट्टी में पहलवानी का दाव बसा हुआ है। क्या नाम है आपका? पी के पहलवान। आप कब से पहलवानी कर रहे हैं? सन 2005 से। ये बताइए पहलवान साहब कि इस गांव को पहलवानी का गांव कहा जाता है, ऐसा क्यों और कैसा लगता है ये नाम सुन के, टाइटल सुन के? इससे बहुत बढ़िया लगता है, हमारे हर गांव में हर घर में पहलवान है। इसमें बचपन से कई दादा इसे पहलवानी चली होती चली आ रही, गांव कदमी चली। तो आप कौन से अखाड़े में प्रैक्टिस करते हैं? जगदीश अखाड़े में। ये सब में पुराना अखाड़ा है, इससे ही गांव में अखाड़े 7 अखाड़े खुले हुए हैं इससे ही। सबसे पहला अखाड़ा यही है। तो आप लोग थोड़ा सा बताइए कि कैसी ट्रेनिंग करते हैं, कितने लोग एक टाइम पे रहते हैं, इस बारे में थोड़ा बताइए। सांझ के टाइम कम से कम 100-125 से बच्चे रहते हैं और सुबह के टाइम रहते हैं 60-70। तो आपके परिवार में कौन कौन पहलवानी करता है? मैं हूँ, चारों भैया ही करते हैं। वैसे तो हम 4 भाई हैं, चारों ही करते हैं। तो ये शौक, ये जुनून कहाँ से जागा कि नहीं मैं पहलवानी बनूंगा और करूंगा? गांव के बड़े बूढ़े ने देखते ही वे करते चले आ रहे हैं, उनसे हम सीखते चले आ रहे हैं। तो सबसे मुश्किल दाव आपको कौन सा लगता है? आप तो खैर तजुर्बा आ गया होगा, लेकिन शुरुआत में क्या कुछ मुश्किलें थी? मुश्किल तो समय ज्यादा कला जंगे जो बैठ के मारनी पड़ती है, जो दब गए तो उसके नीचे दब ही गए। इस गांव की मिट्टी में ही एक जादू है। यहाँ का बच्चा पैदा बाद में होता है, लंगोटी पहले पैर लेता है। क्योंकि ऐसा होता है इस गांव में, जो हमारे दादा हैं, बाबा हैं, पड़बाबा हैं, सभी को शौक है पहलवानी का यहाँ पर। तो इससे सब बच्चे भी और घर में जो माताएं बहनें हैं वो भी चाहती हैं कि हमारा बच्चा पहलवानी करे। ऐसा नहीं है कि और गेम खेलते हैं, लगभग सब गेम खेलते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन रेसलिंग, जिसे कुश्ती कहा जाता है, वो एक बमहटा गांव में और बहुत ही पुराना शौक है। तो आप लोगों की मतलब अब क्या एम है आपका, अब किस स्तर पे आपको खेलना है या कुश्ती को ले जाना है? थोड़ी सी बिल्ड रन में थोड़ी सी कम करना स्तर क्या वो है। प्रैक्टिस करते हैं बच्चे हैं अपने पास, बहुत गुरुजी हैं हमारे, कृष्ण पहलवान जी हैं, खलीफा हैं ब्रह्म खलीफा जी, वो भी सिखाते हैं। कृष्ण पहलवान कोच हैं हमारे, वो भी हमको सिखाते हैं। और इसके साथ ही खान पान में क्या आप लोग ध्यान रखते हैं, वो थोड़ा बताइए। खान पान का तो ऐसा है, घी दूध बादाम, सुबह में चना किशमिश मुनक्खे और उसके साथ दूध ले लेते हैं छोंक कर। ऐसा नहीं है कि प्रोटीन से ही पहलवानी होती है, ऐसा कुछ नहीं है।